हाँ तो भाई पोको के F4 का वीडियो देख के खुश तो बहुत हो गए। लाइक कर देना क्योंकि यहाँ पे जो रोम का अपडेट लेके आया ना, ये रियली में काफ़ी ज़्यादा सुपर्ब है और आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। ये है एक पिक्सल लीनेज। जी हाँ, लीनेज जो नॉर्मल अपडेट आता है उससे कई गुना बेटर और हर जरूरत की चीज़ें यहाँ पर दी गई है। और सिर्फ फीचर्स ही नहीं, यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है वो भी आपको नेक्स्ट लेवल देखने को मिल सकता है। यानी आप AOSP रोम पे स्विच होना चाहते हो ना, तो ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट और बेटर चॉइस होने वाला है। वो इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा। बस लास्ट तक एक बार जरूर वॉच कर लेना और वीडियो अच्छा लगता है तो यार लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना, क्योंकि भाई पोको F4 पे ऐसे भी आप लोग का व्यूज बहुत डाउन आ रहा है इसलिए मन नहीं करता है, लेकिन हाँ सपोर्ट करते हो तो आई विल ट्राई कि मैं इसे कंटिन्यू रखूँ, तो प्लीज़ किया करो। वॉलपेपर चाहिए या फिर ये वाला वॉलपेपर चाहिए तो डाउनलोड लिंक के साथ मैं इसका भी लिंक अटैच कर दूंगा, कोशिश करूंगा ताकि आपको फाइंड करने में दिक्कत ना आए, जो कि टेलीग्राम पे मिलेगा। इसलिए मेरे टेलीग्राम के सारे चैनल को ज्वाइन कर लेना, काफ़ी कुछ चीज़ें वहाँ पे आपको मैं देता रहता हूँ। बाकी यहाँ पे हम आते हैं सबसे पहले अबाउट सेशन के अंदर, तो आपको देखने को मिल जाता है इसका डिटेल्स वगैरह, जहाँ पे एंड्रॉयड 15 है, 22.2 का ये किक मोड कह सकते हो जो कि हमारे इस डिवाइस के लिए है, जहाँ पे मैं 5 का सिक्योरिटी है और मैं 5 का वेंडर है। कर्नल यहाँ पे नो यूज किया गया है, बेल नंबर है और जून 4 का यहाँ पे ये अपडेट देखने को मिलता है जो कि बिल्कुल ही लेटेस्ट वाला है। असमुद्देश रियली में काफ़ी कूल है, पूरा का पूरा फील आपको पिक्सल वाला आता है क्योंकि ये पिक्सल लीनेज है, इसलिए पिक्सल चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई देती है। एक्सेसिबिलिटी में वही सारे बेसिक फीचर्स सारे मिल जाते हैं। लॉक स्क्रीन में जो कि आपको पता है लीनेज की तरफ से फेस अनलॉक नहीं मिलता है, बट यहाँ पे आपको ये चीज़ ऐड करके दी गई है जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऑफिशियल स्टॉक जो आता है उसमें आपको फेस अनलॉक मिसिंग मिलता है। बाकी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ऑटो कन्फर्म का, इन्हेंस का, पावर इंस्टेंट लॉक वगैरह, स्क्रैम्बल लेआउट वगैरह का जो कि प्रॉपर सही है, प्राइवेट स्पेस आपको मिल जाता है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको इग्नोर विंडो सिक्योर फ्लैग का भी ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि ऑफिशियली पिक्सल में होता है बट लीनेज में नहीं होता। डिवाइस आपका इनक्रिप्टेड रहता है, साथ साथ यहाँ पे आपको मिल जाता है सिस्टम, जहाँ पे बटन के अंदर आपको लॉन्ग स्वाइप के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, इन कॉल, पावर का, टॉर्च का, वेकअप का, रोटेशन का और पार्सल का भी ऑप्शन आपको मिलता है। साथ साथ यहाँ पे आपको नेटवर्क ट्रैफिक का ऑप्शन मिल जाता है, क्विक पुल डाउन है, यहाँ पे आपको AM/PM हाइड करने का ऑप्शन, बैटरी को थोड़े से कस्टमाइजेशन, ब्राइटनेस स्लाइडर और ऑटो ब्राइटनेस का बटन आपको मिलता है जो कि आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। अदर यहाँ पे आपको मिलता है जेस्चर, जहाँ पे क्विक टैप का ऑप्शन ऐड किया गया है जो कि लीनेज में नहीं होता है। ओपन कैमरा का ऑप्शन है, यहाँ पे नेविगेशन मोड आपको मिल जाता है जहाँ पे ये ऑप्शन आपको मिलेगा, सर्कल टू सर्च भी दिया गया है और इसकी जो गैपिंग है ना ये थोड़ी सी ज़्यादा मुझे लगी है बाकी रोम के कंपैरिजन में, शायद आप बताना मुझे। और ये सर्कल टू सर्च हमारा एक्टिवेट हो गया। बाकी यहाँ पे पावर मेनू रखना है या नहीं, स्क्रीन शॉट का ऑप्शन आपको मिल जाता है, प्राइवेट रिंगिंग वगैरह दिया गया है जो कि सारे ऑप्शन वर्किंग रहते हैं। और ये इसका अपडेटर सेशन जहाँ से आप अपडेट वगैरह चेकआउट कर सकते हो, सिस्टम डायग्नोसिस भी दिया गया है। और ये जो प्रोफाइल है ना भाई, मैंने जितना भी यूज़ किया ना मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि भाई मुझे परफॉर्मेंस बूस्ट करना है क्योंकि डाउन आ रहा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि विदाउट इसके चेंजिंग के आपको जो रिजल्ट मिलते हैं वो रियली में काफ़ी ज़्यादा सुपर्ब है, बट आप चाहो तो यहाँ से अपना परफॉर्मेंस वगैरह अपने नीड के हिसाब से चेंज कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको जरूरत पड़ने वाली है इसकी क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन है। बाकी यहाँ पे आपको यूजेज वगैरह देखने को मिल जाता है, बाकी चार्जिंग कंट्रोल है और कुछ भी यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं है। वॉलपेपर स्टाइल के अंदर आपको देखने को मिल जाता है पूरा पिक्सल का सेशन, यानी सारे वॉलपेपर दिए गए हैं। यहाँ पे जो खुद से क्रिएट करने का ऑप्शन है वो भी आपको मिल जाता है। बाकी लॉक स्क्रीन के ऊपर सारे बेसिक्स ऑप्शन मिलते हैं, ऑलवेज ऑन वगैरह भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो जो कि आपका प्रॉपर वर्किंग रहता है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आती। साथ ही साथ बैक की ओर चलते हैं तो ये आपको मोड्स का ऑप्शन मिल जाता है जो कि सही है। साउंड के प्रोफाइल में यहाँ पे डॉल्बी एक मिसिंग मुझे देखने को मिला, अगर वो होता तो ज़्यादा बेटर रहता। साथ ही साथ यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन के अंदर नोटिफिकेशन हिस्ट्री और जो कूल डाउन का फीचर्स आजकल आने लग गया है वो भी आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको ऐप्स के अंदर डिफ़ॉल्ट ऐप्स और क्लोन ऐप भी आपको मिल जाता है। एक लॉक वाला फीचर्स ऐड हो जाता है तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, बट यहाँ पे कोई बात नहीं है, ऐसे मैं आज तक लॉक अभी यूज ही नहीं किया, लेकिन बहुत सारे लोग यूज करते हैं तो हर किसी की अपनी अपनी नीड होती है। बाकी नेटवर्क के अंदर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता, यानी पूरा का पूरा पिक्सल वाला आपको सेटिंग देखने को यहाँ पे मिल जाता है लीनेज के साथ, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन बना देता है। लॉन्चर जो है वो आपको पिक्सल वाला ही देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से एनिमेशन आपको दिखाई दे रहा है और विजेट्स वगैरह आप यहाँ पे यूज कर ही सकते हो जो कि बिल्कुल ही सही है। डायलर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है गूगल का ही, जहाँ पे वही सारे डिफॉल्ट वाले ही आपको रिकॉर्डिंग वाला फीचर्स मिल जाता है तो यहाँ पे वो लफड़ा रहेगा। कैमरे की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी गई है क्योंकि यहाँ पे स्टॉक कैमरा दिया गया है जो कि हमारा हाइपर का कह लो या मीवे का कह लो या फिर लाइका कह लो, वही कैमरा आपको यहाँ पे मिल जाता है।
साथ साथ यहाँ पे बेसिक चीज़ों की अगर बात करें टेस्ट रिजल्ट वगैरह की, क्या कुछ कैसे देखने को मिलता है तो उसके ऊपर एक नज़र डालेंगे। और QS वगैरह में कोई भी लैग देखने को नहीं मिला और काफ़ी ज़्यादा स्मूथ UI आपको ये मिलता है जब आप इसे यूज करोगे तो खुद फील करोगे ये चीज़ें। तो जैसे आप यहाँ पे सेटअप करोगे उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है ये डिफॉल्ट ऐप। और हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना, जब आप इसे सेटअप करने जाओगे तो नीचे जैसे ना ऑफलाइन सेटअप, ये बटन आपको स्टार्टिंग पे बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगा। और ये प्रॉब्लम आजकल बहुत सारे डिवाइस में मैंने नोटिस किया है, चाहे वो F4 हो, F5 हो, Mi Linux हो या 10 Pro हो, सभी में जब आप सेटअप करते हो किसी किसी रोम के अंदर तो यहाँ पे नीचे के बटन बहुत मुश्किल से काम करते हैं, 4-5 बार प्रेस करोगे तब काम करता है। ये सिर्फ और सिर्फ सेटअप के टाइम पे ही दिक्कत देता है, जो कि हाइपर OS का FW की वजह से ये इशू आ रहा है बहुत सारे डिवाइसेज के अंदर। तो बस एक बार आप सेटअप कर लोगे उसके बाद आपको टच में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, इस चीज़ का आप ध्यान जरूर रखना। साथ साथ यहाँ पे आपका जो बूटलोडर लॉक का जो स्पूफ है वो भी ऐड किया गया है, ताकि कोई भी एप्लीकेशन यूज करते समय दिक्कत ना आए बूटलोडर अनलॉकिंग वाली। साथ ही साथ यहाँ पे आपका दोनों आपका पास मिलता है, बेसिक और डिवाइस, जो कि आपको दिक्कत नहीं आने वाला। स्ट्रॉन्ग वाला तो मोस्टली फेल होते रहता है तो इसे इग्नोर करो, लेकिन हाँ इसके वजह से आप सारे काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट इन फ्यूचर लॉन्ग अगर आप यूज करते हो और ये फेल हो जाते हैं, गूगल इसे ब्लॉक कर देता है, तो मैंने फिलहाल 3 वीडियो दे रखे हैं इसे फिक्स करने से रिलेटेड, उनमें से ट्राई कर लेना जो भी मेथड आपके लिए वर्किंग रहेगा, उसके बाद ये तीनों आपका फिक्स हो जाएगा, तो उसके लिए टेंशन नहीं है। डिवाइस भी आपका बाय डिफॉल्ट सर्टिफाइड रहता है तो ये भी आपका परफेक्ट है। कैमरा वगैरह हमारा काम कर रहा है, फोटो स्टोरेज भी यहाँ पे अनलॉक ऐड कर दिया गया है तो इससे रिलेटेड भी आपको दिक्कत नहीं आने वाला। और एक्स्ट्रा सेटिंग भी अनलॉक है, जो कि एक्सट्रीम प्लस और अल्ट्रा एक्सट्रीम का भी आपको यहाँ पे बेनिफिट प्रोवाइड कर देगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। वहीं पर बैटरी ड्रॉप की बात करें तो 33 के बाद आता है यहाँ पे 30, जो कि यहाँ पे ओनली 3% का बैटरी ड्रॉप हुआ है, 7 hours 46 यानी 8 hours कह सकते हैं, जो कि अच्छा है, बेहतरीन है। और वहीं पे आप देखो ये हमारा CPU टोटल विदाउट किसी बूस्ट प्रोफाइल के यूज किए हुए 331,000 मैक्स और 283,000, जहाँ पे 88% है और काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। बट आपको इसे और भी ज़्यादा थोड़ा एक्यूरेट करना है, इंप्रूव करना है, तो सिंपल आ जाओ यहाँ पे, कहाँ पे सिस्टम के अंदर इसके ऊपर आ जाओ और जो भी एप्लीकेशन पे आप परफॉर्मेंस चाहते हो बस वहाँ पे आप अपने हिसाब से इसे जो सेट कर सकते हो, गेमिंग पे या फिर इसका परफॉर्मेंस वगैरह पे या बेंचमार्क पे, जैसा भी आपको ठीक लगे, जिस पे आपको बेटर रिजल्ट मिले उसके हिसाब से आप बूस्ट कर पाओगे। अनदर यहाँ पे अनटूटू स्कोर, तो भाई रियर केस में इतना हमें देखने को मिलता है किसी किसी रोम के ऊपर, ये पर्सनली यहाँ पे देखने को मिला। और हीटिंग भी अंडर कंट्रोल है, जो कि ऑनलाइन 41 का रिजल्ट यहाँ पे शो करता है। वहीं पे चार्जिंग की बात करें तो चार्जिंग ओवरऑल में कहूँगा कि ओके है, जहाँ पे 7 मिनट में 9%, 6 मिनट में 17% गया है और 19 मिनट में 21%, यानी कुछ खास फास्ट चार्जिंग यहाँ पे देखने को नहीं मिला, तो इससे रिलेटेड कुछ खास शिकायत नहीं करूँगा, लेकिन हाँ थोड़ा बेटर होता तो मज़ा आ जाता। वहीं पर बात करें Geekbench की, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा आपको देखने को मिल जाता है, टॉप नॉच का रिजल्ट है, जो कि मुझे पसंद आया है। तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे इस रोम के अंदर देखने को मिलती है और मेरे तब से तो भाई ये हाईली रिकमेंडेड होने वाला है आप सभी के लिए। अगर आप एक AOSP रोम पे स्विच करना चाहते हो तो आपके लिए एक बेस्ट चॉइस हो जाएगा। बट क्या है, कैसे, वो सारी चीज मैंने आपको बता दिया, जिससे आपको सिलेक्ट करने में आसानी रहेगी। और रही बात इसे डालना कैसे, तो मैं रिकमेंडेड करूंगा ADB साइडलोड का मेथड यूज कर लेना, अदरवाइज ऑरेंज फॉक्स से फ्लैश कर लेना इसे और फॉर्मेट कर देना। तो मैं आपको लास्ट में इंस्टॉलेशन शो कर दूंगा ADB साइडलोड का, आप चाहो तो ऑरेंज फॉक्स से भी फ्लैश कर सकते हो। और ऑरेंज फॉक्स से फ्लैश करते अगर आपका रिकवरी रिप्लेस होता है ADB साइडलोड से, तो मैं रिकमेंडेड करूंगा कि ADB साइडलोड का ही मेथड यूज कर लेना, आपके लिए बेटर रहेगा और रिजल्ट वगैरह आपको काफी ज्यादा यहाँ पे एक्यूरेट मिलेगा। Jio 5G वगैरह भी आपका यहाँ पे वर्किंग रहता है। तो बस आज के लिए इतना ही सा था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय। और फिर मत कहना कि यार रिव्यू लेके आओ, लेके आया ना, अच्छा रोम दिया ना, तो लाइक करके ही जाना। आपको इंस्टॉलेशन गाइड फॉलो करना है, पहले आपको अपने फोन को ऑफ कर लेना है, पावर ऑन एंड वॉल्यूम डाउन को लॉन्ग प्रेस करके आपको फास्टफूड मोड ऑन कर लेना है। अब वर्किंग डेटा केबल का यूज करते हुए PC से कनेक्ट, इसी पे आप इस टूल का यूज कर सकते हो, जो कि वन टाइम में रिकवरी इंस्टॉल करके दे देता है, मैंने डेडिकेटेड वीडियो दे रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है बस सिंगल क्लिक पे और अब हमारा फोन है जो रिकवरी में ऑन हो जाएगा। रिकवरी जैसे ही ऑन होता है सबसे पहले आपको यहाँ पे फैक्ट्री रीसेट कर लेना है, वॉल्यूम अप डाउन का यूज करते हुए आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, पावर बटन से आपका ओके का काम करेगा। फैक्ट्री रीसेट हो जाने के बाद आपको बैक आना है, अप्लाई अपडेट पे जाना है और यहाँ पे ADB साइड लोड कर देना है। जहाँ पे भी आपने रोम रख रखा है उसे मूव कर लेना ADB प्लेटफॉर्म टूल में और CMD कमांड ओपन कर लेना, जो कि मैंने यहाँ पे कर लिया है। अब यहाँ पे हम डालेंगे ADB साइड लोड। ADB साइड लोड डालने के बाद आपको यहाँ पे रोम को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है और इंटर पे क्लिक करेंगे। विद इन 5 मिनट आपका रोम सक्सेसफुली फ्लैश हो जाएगा और यहाँ पे रिकवरी पे एक ऑप्शन आएगा यस और नो का, जैसे कि आप देख सकते हो। तो यहाँ पे स्टार्टिंग पे फर्स्ट टाइम आपको यस कर देना है और पावर बटन प्रेस कर देना है। अब यहाँ पे आपका रिकवरी द्वारा रीओपन होगा और अगर आप कोई ऐसा रोम फ्लैश कर रहे हो जिसमें बाय डिफॉल्ट रिकवरी दिया गया है तो आपका रिकवरी रिप्लेस हो सकता है। यहाँ पे फाइनल आपको जो फैक्ट्री रीसेट करना है वंस अगेन और फॉर्मेट डेटा करते ही आपको फिर से सिस्टम रिबूट कर देना है। अब आपने जो भी रोम को फ्लैश किया है इस मेथड से उसका बूट एनिमेशन आ जाएगा और आपका OS बूट कर जाएगा।
तो आई होप कि आपको समझ में आ गया है पूरा प्रोसेस कि कैसे हम एडीबी साइलोड से रोम को फ्लैश कर सकते हैं इजिली और वन टाइम में बूट करा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो यार लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना, और सेम गाइड फॉलो करते हुए आप अपने रोम को फ्लैश कर सकते हो अपने डिवाइस के अंदर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।